खबर स्टेशन के बॉलीवुड अपडेट में आपका स्वागत है। आपको पता ही होगा कि सदियों से भारतीय सिनेमा में कुछ स्टार्स उभरे और कई दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया। पिछले कुछ दशकों से आजकल माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जहां पहले सुपरस्टार्स एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे, कॉम्पिटिशन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये साबित किया था सलमान खान ने, हमारी पिछली खबर में भी आपने देखा था। लेकिन एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है, 12 तारीख यानी 12 अगस्त को रुस्तम आ रही है और इधर मोहनजोदारो ऋतिक रोशन लेकर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि बॉक्स ऑफिस पर दोनों की क्लैश की कितनी आवाज होती है और कौन सी मूवी ले जाती है ज्यादा कमाई। लेकिन एक बात तो साफ है कि सलमान खान ने ऋतिक रोशन को छोड़कर अक्षय कुमार की मूवी रुस्तम के लिए सपोर्ट कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें सलमान खान ने ऋतिक रोशन का जिक्र भी नहीं किया और ना ही ऋतिक रोशन के बारे में कुछ बताया, लेकिन अक्षय कुमार के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो कह सकते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है सलमान खान के अंदर ऋतिक रोशन को लेकर। सलमान खान ने एक बात तो साफ कर दी है कि जिसको पसंद करते हैं खुलकर पसंद करते हैं। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें खबर स्टेशन।